जय श्री गणेश, जय श्री राम। मौसम देखो यहाँ पे कितना अच्छा है, एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी। जो लोग शहर में रहते हैं ना, वो इन चीज़ों को बहुत प्यार करते हैं, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए नॉर्मल है, जैसे कि मैं। ग्रीनरी में ग्रीनरी है कि नहीं? ज़्यादा गंदी हो गई है तो मुझे सहन नहीं हो रहा है। मुझे पता है हम जहाँ पे जाने वाले वहाँ पे भी गंदी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा पानी मार लेते हैं ताकि गाड़ी स्वच्छ हो जाएगी, एकदम चकाचक दिखेगी गाड़ी, है कि नहीं? ये देखो सब एकदम आगे से ठीक है, पीछे से पूरा गंदा हो गया है। इतना भी आप करो बट बारिश में ये होना ही है। बूढ़े तिकड़े लो, ये बंदा गाड़ी को बहुत प्यार से देख रहा है, पूछ रहा है ये गाड़ी है क्या है। हाँ, ते क्रैश गार्ड है, गाड़ी पडली बिडली ना तो त्याच्यावर वाचतं ते बाजूचं सगळं। हो हाँ, म्हणजे आपण पण वाचतो गुडघे बिडघे। हा, अंघोळ अंघोळ का विषय। ये धोबी रहे थोड़ी सी दोस्तों, मुझे दिखा नहीं जा, मुझे इच्छा नहीं होती कि गाड़ी ऐसे ही चलाऊं यार। पता नहीं बारिश का मौसम, मैं थोड़ा सा गाड़ी कम ही चलाऊंगा ऐसा लगता है, क्योंकि हर बार ये माखेगी और हर बार साफ़ करना तो पड़ेगा। एक्चुअली वो साफ कर रहे, बट मुझे कैसा कैसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे साफ़ करना चाहिए, बट मैं पूरा छिलखत बिलखत से हूँ तो कैसे साफ करूँ ना। नहीं तो वो कर रहे हैं, अच्छा कर देंगे, ऐसा कुछ विषय नहीं है। थोड़ा थोड़ा करते करते पूरी गाड़ी स्वच्छ हो गई दोस्तों, इन्होंने एकदम मस्त कर दी गाड़ी को। और वो अंकल वहाँ के, अभी लेके अपन इसको जाएंगे और फिर इससे मखाएंगे। पर गाड़ी एकदम टकाटक क्लीन करके दोनों की गाड़ी भाई निकल चुके है लेके एक घोड़े से भी पावरफुल सवारी। यस, 1000 सीसी का राक्षस और 200 सीसी का बादशाह व्यक्तिमत्व लेके हम निकल चुके हैं। और ये गरुड़ा जी ने गियर पहने हुए, गियर के नाम पे क्या है, स्पोर्ट्स शूज, नॉर्मल जीन्स, रेनकोट और हेलमेट है, उसमें मेंदू सुरक्षित होगा, बाकी कुछ भी ऐसा गियर है। क्यों? क्योंकि अभिजीत भाई पहली राइड करना चाहते सादा सुधा राइडर होके, और अगली राइड में वो किंगगिरी करेंगे। किंगगिरी आज की राइड होगी एकदम रिलैक्स, क्योंकि हमको नहीं करना है रश, ना करना है पुश, ना करना है रैश ड्राइविंग, आराम से करेंगे, क्योंकि मुझे रास्ता ही पता नहीं है। अभी भाई मेरा सहारा है, आराम से जाएंगे। और अपने साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं, अनप्लान थे लेकिन जुड़ गए, लेकिन अच्छा लगता है, अपने खास है, आगे जाके मज़ा आएगा, मज़ा एक्सट्रीम होने वाला है। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इस बार ज़्यादा मज़ा आएगा, इस बार बिल्कुल झगड़े नहीं, बिल्कुल फालतूगिरी नहीं, एक दूसरे के साथ मिल के मज़े करेंगे सब लोग, विषय ही क्लोज है। और इस बार ये गरुड़ा है ना, वो बहुत बदल गया है, बहुत बादशाह हो गया है। सफर कैसा है ये सफर, हाँ मंजिले रहत है रह गुजर। लीन देखो, लीन देखो, लीन देखो, लीन देखो, अभी भाई का अभी लीन देखो, अभी लीन देखो, अभी ले लीन ले, लीन ले क्या? व्हाट अ लवली लीन, वाह वाह बुआ वाह, टायर घसपटलेला, आई कडक कडक, ए डीटा इगडा इगडा इगडा। अभी यहाँ पे बंदर दिखेंगे दोस्तों आपको बहुत सारे, मतलब अभी भाई नहीं, अभी भाई बंदर नहीं है, दूसरे बंदर दिखेंगे आप देखोगे तो। ये नहीं रे, यहाँ पे तो बंदर ही नहीं है, देखो सूचना भी दी गई है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं। बंदर 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 दिख गया बंदर, वो देखो वो देखो वो देखो, ये देखो, ये देखो बंदर मामा, ए बंदर मामा, अरे बंदर मामा, अरे बंदर मामा, माझा बंदर मामा। बंदर कैसा है ब्रो, बांधली का विषय, बांधली का विषय, फुल इज्जत, लव यू टू। मेरे पास खाना नहीं, आई एम सॉरी, बट मेरे पास कुछ नहीं है, बट अगली बार मैं दूंगा, मैं हमेशा देता हूँ, याद है ना मेरी जान। हाँ चल, बाय बाय मेरी पप्पू, आई लव यू टू मेरे चुनचुन, तेरे जीप पे मेरी जीप, ओ यस। आई सुपर बंदर ज्यादा आ गए, ये देखो कितने बंदर, बंदर 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 की मम्मी, बंदर का काका, बंदर की अज्जी, बंदर का आजूबा, सब है पूरा खानदान है। देखो आगो भाई 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 भाई, ये देखो पूरी फैमिली है, देखो मम्मी पापा लड़का मौसी काका, पूरी फैमिली अवेलेबल है। और वो शेजार पाजरी आगे देखने के लिए शो की क्या चल रहा है, देखो कितने प्यारे बंदर है, ये देखो ई आई ला किंग किंग। ये हाँ हाँ हाँ, सगळ्यात वयस्कर है,
हाँ आजोब है 100% आजोब है आणि त्यांनी त्याच्या मुलीचं बाळ सांभाळले काय विषय नाही. ये देखो ये आजी, आजी ने भी मुली का बाळ सांभाळलेला आहे दुसरा वाला सांभाळून सांभाळून. आजी किंग किंग और ये तो चोंगोर मंगू, ये शेजार के टपोरी पोर जो भौरा खेलते वो ये हमें देव देख के चू चू कर रहे. हेलो, अरे ना मी काने करत भाई काने करत काय विषय नाही बांधिल की. चलो अभी भाई ये सबसे प्राउड मम्मी, मम्मी है बाय बाय मम्मी है पूरी इज्जत मम्मी है. मजा आया रे पूरा खानदान था और अंगावर गेयर होने की वजह से डर भी नहीं लग रहा था कि अपने पे हमला हुआ तो नुकसान होगा. अगर यही मैं नंगे पाँव नॉर्मल लेवल पे रहता तो मैं इतने पास नहीं रहता बाबा. मैं ऐसा क्यों हूँ मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ. बारिश का मौसम है ये मैंने तब भी जाना, फिर भी नहीं गियर ये मैंने बिल्कुल बदना ठाना. होगा मेरा अब जाने क्या, ओ, ओ, ओ बारिश आ रही है बाबा, ओ चड्डी अंडरवेयर भीगेगी, ओ सत्यानाश होगा, ओ हो ओ ए ई आए ओ ए ई ओ आउ ओवे ई आए ओवे 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 ओवे. अबे यार अगर बारिश बढ़ गई तो मेरा मुंडी छोड़ के कुछ नहीं सूखने वाला, सारी चीज़ें भीगने वाली. इतना चिलखत लेके मैं बैठा हूँ, इधर बैटरीज है गोप्रो की, यहाँ पे मोबाइल है और क्या ही बोलूँ. लेकिन क्या करूँ, मैं ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों मेरे पास, क्योंकि मेरे पास नहीं है गियर राइडिंग वाला. मतलब रेनकोट तो है बट रेस के ऊपर अगर मैं रेनकोट पहनूंगा ना उसमें गर्म बहुत होगा, कुत्ते की तरह गर्म होगा, अंदर से बाष्पीभवन होता है मेरा. ये देख पूरी नदी भर गई है रे, मतलब खाड़ी खाड़ी. ये बंगाल की खाड़ी है, बंगलोड़ी बोलते हैं इसको, बंगलोड़ी खाड़ी. अरे बाप रे ये कौन है नमस्कार 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 काय म्हणता, तुम्हाला कसं माहिती आम्ही इथून जाणार आहे. काल तुमची गाडी आली ना, हां आपल्याकडून. मग तुम्ही सकाळपासून उभेत का इकडे, पाणी वाढलंय ना, पाणी मस्त वाटते. इज्जत आहे. काय नाव तुझं मित्रा? निर्भय अभय आणि संजय का फोटो. हां हेल्मेट राहू दे ना प्लीज. अरे हेल्मेट नका काढायला हूं, अरे चेहरा मी पण उलटा रायडर बरोबर असे फोटो काढायला मजा येते. माझी अख्खी सेटिंग हलते रे आतमधली. थांब काढतो. एक ग्रीनरी आहे ना, एक अलग सुकून प्रोव्हाइड करते आपके अंत मन तरंग को. क्यों गलत दोस्तों, यहाँ पे इतना पाउस पड़ रहा है, मेरे को थोड़ा टेंशन है गोप्रो के अंदर पाउस न चला जाए, क्योंकि हवा जो रहती है ना, हवा और पानी मिक्स हो जाए तो बाबा वाट लग जाता है. थोड़ा सा डर है बट देखते जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें हमेशा ना कुछ लगाने की कोशिश करता हूँ और हमेशा मैं भूल जाता हूँ, टेप्लॉन कोटिंग वगैरह या फिर गावटी प्रकार है वो सारा, लेकिन वो काम कर जाता है. लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं लगाया, आड़ छोड़ निकल चुका हूँ इस तरीके से ही, जो होगा देखा जाएगा ऐसा डोके में रख के. बारिश ज़्यादा नहीं है तो टेंशन नहीं है, लेकिन ज़्यादा आएगी तो टेंशन है. वैसे ज़्यादा तो है, वैसे देखा जाए तो बूंदे लग रही है. हाँ, ये माहौल तो देखो ना क्या मस्त है रे, मस्त है. यहाँ पे स्पेशल कंटोली की भाजी वगैरह आप बनाते हो घर पे? देखो यहाँ पे मावशी और कंटोली की भाजी वगैरह देती है, वो अलग अलग तरह, वो एक ग्रीन कलर का सब्जी होता है वो साला, आप नॉनवेज भूल जाओगे इतना स्वादिष्ट रहता है, मज़ा आता है. ये देखो बारिश की वजह से रुके हुए हैं, लेकिन हम रुकते नहीं हैं. अभी भाई बोल रहे थे कि बारिश गिरेगी तो अपन रुकेंगे क्या कहीं पे, मैंने बोला काय को रुकने का, चलते चलो. वो बोला कि चड्डी भीजेगी, मतलब भीजी तो भीजी कन्फर्म. मतलब वो किंग ऐसे ही बनते हैं, जो किंग बारिश में रुकता नहीं है वो शिंग भिंग सर्वलिंग होता है, समझ रहे हो ना मेरी चुम्मा. आपको मजा आ रहा है बारिश में बाइक चलाने? नेक्स्ट लेवल मजा. और पत्तू जी आपका व्लॉग चल रहा है? अरे दोस्तों पत्तू जी को सब्सक्राइब करो, बंदा नया है लेकिन मचाना चाहिए, मार्केट एरिया हिलना चाहिए, समझ रहे हो ना. भाई है अपना, जीव है और जीव खड़ा है तुमच्या इची किपड़ा. आप हमेशा स्ट्रीम पे बोलते हैं सोमाट ने फाटा, तो यही है ना ये सोमाट ने फाटा, प्रॉपर सोमाट ने फाटा से चुपेवाड़ी है ना वो यहाँ से पास. और आज हम जा रहे हैं भंडारदरा. पेट्रोल डाला था तो अभी कितना चलेगा और किधर डालना पड़ेगा? पेट्रोल देखो सर मैंने बताना चाहता हूँ, पेट्रोल डाला 162 किलोमीटर पहले तो अभी चल रहा है और आई थिंक अभी और चलेगा थोड़ा सा. मतलब अभी 200 जाएगी कि 250? 200 तो जाएगी आराम से. तो 200 पे स्टॉप नहीं, अभी भरना पड़ेगा पेट्रोल आगे थोड़ा सा. पेट्रोल तो कुछ 1200-1300 का गया. तो देखो 1200 का पेट्रोल डाला है इन्होंने, हमने अभी 300 का सीएनजी डाला है, अभी और आगे जाके पेट्रोल हम लोग भी डालने वाले क्योंकि घाट लगने वाला है. थोड़ा सा पैसा और देते तो इधर पेट्रोल का आता था,
इधर पेट्रोल दिखाता ही नहीं है। मैं ऐसा है कि पेट्रोल डालते जाओ और मच्छर। पर ए पता है एकच प्रॉब्लम है, अभिजीत भाई से कांटेक्ट कैसे करे ना, उसके पास कुछ ब्लूटूथ कनेक्शन है ना कुछ है। मेरा एक रिलेटिव है, उसके पास कौन सा बाइक था, वो डोमिनर 400 फुल लोडेड, मतलब टूरिस्ट वाला, ट्रैवलिंग वाला। उसके पास ये आपके पास वो है ना, ये ब्लूटूथ वाला, वो भी था उसके हेलमेट में। तो हेलमेट तो लेके आता एटलीस्ट। GoPro के लिए माउंट भी था, GoPro भी था, सब कुछ था। हां लेकिन आप बोले गाड़ी लेके आओ। अभी ते मागे आहेत जाम, ते लोक मागे आहेत, आपलं पेट्रोल कुठे भरायचं आहे? दादा पॉवरचं पेट्रोल आहे कुठे? या साईडला भेटेल, या साईडला। आता कहीं पे भी पेट्रोल नाही मिला, 6 पेट्रोल पंप टोटली छान मार चुके हैं हम, और यहाँ तक कि हम 3 किलोमीटर पीछे भी आए बस उस पेट्रोल के लिए कि भाई वो मिल जाए, लेकिन कहीं पे भी नहीं है। बुरा लगता है, ऐसा कहावत, हाईवे पे पेट्रोल अवेलेबल नहीं है भाई, करे तो क्या करे बंदा। भाई 5-6 किलोमीटर वेस्टेज ऑफ फ्यूल एंड टाइम हो गया है। वहाँ पे अपने किरण दादा वगैरह बेचारे वेट कर रहे हैं और हम बस पेट्रोल ढूंढ रहे हैं, बताइए। हाँ 7 पेट्रोल पंप हो गया, अभी मैं हार गया। अभी ये ब्रिज आएगा सामने, ब्रिज के नीचे एक और पेट्रोल पंप पे जाते वक्त रिटर्न मारा है तो उस पर मिला तो ठीक, नहीं तो तेल लगाने गया पेट्रोल। मैं कोई भी पेट्रोल भरेगा और चलेगा आगे, ऐचा का हो ब्लॉक इंजन का प्रॉब्लम नहीं, ऐचा का कुत्रा फालतूगिरी नुसती। एक तर इचे नखरे 17, हिला भाषा पेट्रोल पण पाहिजे नाही, पेट्रोल पंपवाल्यांचे नखरे 230 आहेत, एकाकडे पण पेट्रोल नाही, साधं पेट्रोल ते पण मळकटलेलं। आईचा कुत्रा यांच्या आईच्या गावात माणिक मामा राहतो। करुणाजी किती रे गए, करुणा तेरा माकी आकिया। मैंने पेट्रोल अभी भरा लेकिन साधा ही पेट्रोल मिला, मैं हार गया, बोले जाने दो पेट्रोल साधा ही भरते। लेकिन दोस्तों मैं ज़्यादा आया भी नहीं, वो टेलीसिन की बैटरी यूज़ कर रहा था, देख रहा था कितनी टिकती है, अरे थोड़ी देर में ख़त्म हो गई, 40-45 किलोमीटर के प्रवास में टेलीसिन की बैटरी ख़त्म, वो भी मैंने इतना शूट भी नहीं किया, आपने तो देखा। अभी मैंने ये ओरिजिनल एंडोरा बैटरी लगाई है, ये तो बहुत ही किंग टिकती है यार, इसका तो कोई जोड़ ही नहीं, मतलब अभी मैं तो बोलता हूँ, मतलब अभी ये बैटरी मैंने लगाई है ना, ये आपको भंडारदरा तक चलेगी ऐसा मुझे लग रहा है। अभी देखते कैसा क्या, यहाँ से अभी राइट टर्न मारना है और यहाँ पे अपने लौंडे रुके हुए बेचारे कब से, अभी अपने हमको गाली गलौज करेंगे वो कि तुम इतना टाइम क्यों लगाते हो, लेकिन क्या करें यार, ये यार इसकी टाकी 20-21 लीटर की रहती ना तो मज़ा ही आ जाता। तो यहाँ से राइट मारना है, सुम में हलुच बिस्लेरी लेके आने गए, एकदम फास्ट रे गाड़ियाँ, 3-2-1 गो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो भी राइट जा रहा है, वो देखो अपने बंदे रुके हुए हैं इधर, इच्छे क्या खा रहे, मकई खा रहे, मकई। अरे पेट्रोलच नाही, 6 पेट्रोल पंप बघितले एका ठिकाणी, पण ते पॉवरचं पेट्रोल नाही, मग साधंच भरलं शेवटी। तू एक काम कर, ड्रम घे आणि गाडीत भर, मग ते बरं आहे, ते करायला बरं पडेल, ड्रम घेऊन गाडीत भरलेला। अरे कुठे भेटलं ना तर मग ड्रम घेऊन गाडी। हां 16 लिटरची टाकी, त्यात रपारप पेट्रोल पण संपते, तरी आपण ऍव्हरेज काढतोय, 17-18 ऍव्हरेज काढतोय मी गाडीचा। निसर्ग, निसर्ग से प्यार करना चाहिए, ये देखो निसर्ग, निसर्ग को अगर आप संभालोगे तो निसर्ग आपको संभालेगा। आप अपनी अय्याशिया लाइफ में करो लेकिन निसर्ग को संभाल के, यहाँ वहाँ जाते हो, बॉटल फेंकते हो, कचरा करते हो, पिशवी डालते हो, ये करते हो करते हो, ये करना अवॉइड करो, कचरा पिशवी ये भी सब एक जगह पे जमा करके कचरा, ये कचरा कुंडी में ही डालने का आपको, तभी आपकी लाइफ सेट हो सकती है, समझ रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें होती है, यही आपको समाज में आगे बढ़ाती है। वो पीछे जो सर दिख रहे हैं ना, वो गाड़ी देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे उन्होंने बोला भी कि बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी बहुत क्लीन है, बहुत अच्छी है, तारीफ होती है। हाँ दूसरी चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि हाथ छोड़ के बाइक चला रहा है, देखो दोस्तों रैश ड्राइविंग नहीं है, ये नॉर्मल ड्राइविंग है, ये बाइक को क्रूज़ कंट्रोल दिया है और ये रोड छोड़ती नहीं है, और अगर मैं
बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा हूँ गाड़ी चलाने में, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये रिस्की कितना है और कितना नहीं है, लेकिन आपको ये बिल्कुल घर पे करना नहीं है। देखो कोई बंदा किसी चीज़ में बादशाह होता है, जैसे कि कोई बंदा विली मारता है, बराबर है, गाड़ी को खिलौने की तरह यूज़ कर सकता है, मैं वैसा नहीं यूज़ कर सकता, इसलिए मैं विली स्ट्रॉपी ये सब चीज़ें ट्राई करता नहीं हूँ, जितना मुझे आता है उतना। तो जितना आप जिस चीज़ में अच्छे हो ना, वो 100% मत करो, वो 50% ही करो, रिस्क मत लो कि श्रीमान ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मुझे आराम से देखो, एंजॉय करो, चिल करो, मैं जो सेफ्टी चीज़ आपको बताता हूँ वो फॉलो करो, बाकी कुछ विषय नहीं है, क्योंकि आपको मेरी कसम है, मेरी इठा, अरे सिंगल रहोगे तो ही टेनर पे घूम पाओगे, गर्लफ्रेंड मेरे साथ में घूमती है सिंगल लाइफ किंग लाइफ है कि नहीं। अभी मैं रुकता हूँ यहाँ पे, मेरे लोग आ रहे हैं ना, अभी तक पीछे से आए नहीं। हाँ चलो अरे तो अपन थमते, ये गोप्रो बंद क्यों हो रहा है बीच बीच में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत आ रही है, बीच बीच में बंद हो रहा है, कौन सा एरर आ रहा है क्या मालूम। हाँ किंग ऑफ द रिंग्स, देखो उनको इतनी गाड़ी पसंद आई वो रुक गए। नमस्कार नमस्कार, ही गाड़ी असता ना सिंगलच असणं गरजेचं आहे, बघा मागे सीट नाही आहे, सिंगल मस्तपैकी फिरायचं एन्जॉय करायचा, ती माझी लोक मागे राहिले तर म्हणून थांबलोय। कितना प्यार मिल रहा है, हाथ कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। इज्जत दो समाज में, इज्जत दो। ये देखो भाई, हाय शप्पद यार, स्कूल के लड़के और लड़कियों को कितना क्रेज होता है बाइक्स का। ओ गड़क गड़क ना माझे पुम पुम, जरा पुम पुम, बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब अगर मैं छोटा होता और ऐसे कोई स्पोर्ट्स बाइक जाती तो मैं भी ऐसे देखता था यार, मुझे सब याद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मच्छी रे मच्छी, काली काली मच्छी, जानबूझ के रेव एक्स्ट्रा करने का, मतलब आवाज ज्यादा आता है ना तो लोग देखते कमी ना हूं मैं, मुझे अच्छा लगता है। अटेंशन सीकर शेड़िया, शेड़िया जाने नहीं दे रही किसी को, ये देखो। लेकिन हम टू व्हीलर वाले हम जा सकते, मेरी पॉम पॉम शेळी, लव यू ना माझी बाबडी, तुझ्या नावाचा घेतला मी शपथ विधी बच्ची के दिल में, ओके ना माझी संडास। ये कंटिन्यू मेरी शूटिंग करना चाहता है, क्या करना चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे काय होय काय तुला कुत्र्या, हाँ ओके तो मैं अभी जिस गांव से जा रहा हूँ यहाँ पे मुझे सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आ रही है रे। सब लोग जिस तरीके से देख रहे हैं, आई ची कट कट बाइक को देख, देखो ना कैसे रहे, सब लोगों के चेहरे देखो, सब लोग है जितने भी आपको दिख रहे हैं सबके चेहरे, मैं सबको हाथ ऐसे कर रहा हूँ जैसे कि मैं निवडणूक लड़ने को आया है मज़ा आ गया
ये पता कंटिन्यू शूट कर रहा है मुझे, मेरे लिए फुटेज निकल रहा है, सही काम है। लेकिन सब देख रहे थे सब, मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं देख रहा है भाई, वो गाड़ी देख के लोग ऐसे, मतलब क्या ही बोलूँ यार। दोस्तों आई एम सॉरी, आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ, बट यार मैं थोड़ा सा ना खुशी के मारे शांत, मतलब कुछ भी बड़बड़ कर रहा हूँ। गाड़ी का आवाज़ दूर से आता है लोगों, तो लोग देखते ही है। इन सभी लड़कों को बहुत ज्यादा उम्र लगे और ये सब लोग अपने सपने पूरे करे। दोस्तों कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट है। आई देव बापा ओ काका, देव बापा ओ काका, वो देखो छोटे बच्चे, टाटा मा तो पिल्लू आई गो। बहुत गोंडस रे, माला जाम बरवाटे। अगर मैं वहां पे गाड़ी रोकूंगा ना, वो सब बच्चे ना वैसे भाग के आएंगे गाड़ी को देखने के लिए। कितना प्यार से देख रहे हैं गाड़ी को यार, मतलब यार बहुत अच्छा लग रहा है। वो लड़के लोग देख रहे थे छोटे बच्चे, तो कितना अच्छा लग रहा था ना, बहुत जबरदस्त। अगर वो वीडियो आया होगा ना तो एक नंबर, अपने हमने शूट किया, मैंने भी किया बीच में, इसने पूरा किया। वो बच्चे देख रहे थे ना दोस्तों, उधर 1-2 लाख रुपए गाड़ी के ऐसे ही वसूल हो गए खतरनाक एकदम, और वो खुश हो गए। उन्होंने वो राइडर वीडर बोल रहे थे दोस्तों, राइड और हाथ भी ऐसा हाथ कर रहे थे हर बार, तो अच्छा लग रहा था। इज्जत है, मतलब इज्जत तो है। और ये देखो पीछे से थकेले लोग, खल्लू लोग। चलो GoPro हैंग हो गया था, अभी ठीक है, अपन निकल रहे हैं। एक्चुअली सीन क्या है, मेरे हाथ ने सुन पड़ रहा था इस साइड से ऐसा, वो गीला है ना पूरा का पूरा, तो मैंने वो निकाला है टेम्पररी, अभी बिना ग्लव्स के चलाते थोड़ी देर। लेट्स गो। बारिश तो रुक गई है, तो ये चाय दिला दे विदाउट शुगर वाली, मज़ा आ जाएगा। एकदम सुनसान और रिलैक्स रोड है दोस्तों, बहुत रेयर व्हीकल आ रही है। हम जवार इलाके में हैं फिलहाल, यहाँ पे देखो कितनी शेती है, टू व्हीलर वाले अंकल जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बाय बाय अंकल, लव यू टू, बंदिल की कविश ओनली। सावधान, गतिरोधक है, ओके आई एम सावधान। अभी हम यहाँ पे आए, ये कौन सा इलाका किरण दादा, जवार, ये शिवनेरी ढाबा है, यहाँ पे दुनिया की सबसे यूनिक चाय मिलती है ऐसा मान्यवरों ने कहा है। चलो यहाँ पे क्या पीने का, चाय ना, बट खा ये यार, जेवन भी है ब्रो, जेवन जेवेंगे ना, वेज भी मस्त, प्योर पनीर मसाला मार के। जगह पे खाना खाने के लिए रुके, बाबू भाई वेज खा रहे हैं और हम भी पोड़ी और वेजिटेरियन जेवन आ रहा है, लेकिन ये अभी मैंने खाया, दाल खिचड़ी है, किंग लग रही है। मैं पूरा भूख गया, पूरा का पूरा ओला चिम्बा हो गया, और ये टी शर्ट भी ओला है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर मेरे को ठंडी लग रही है, ये मैं पहनूंगा, इसके ऊपर रेनकोट पहनूंगा, तो शायद बॉडी गर्मी की वजह से एनर्जी ज़्यादा होगी, देखते हैं। और हमें लोकेशन पे पहुंचने के लिए अभी तक 4 घंटे लगने वाले मिनिमम, तो सोच रहे हैं कि प्रकाश में यहाँ से गायब हो जाए। अभी GoPro के ऊपर मैंने एक प्लास्टिक की पिशवी चढ़ाई हुई है, ताकि वो एटलीस्ट अगर बारिश आए तो भीगे ना। यहाँ पे अभी मस्त खाना हो गया, थोड़ा नो शुगर चैलेंज का सत्यानाश किया है मैंने, पान खाया, गोड़ खाना खाया, अबड़ धोबड़, बट ठीक है, चीट डे चल रहा है, 4 दिन एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। कोको कोला भी पिया थोड़ा सा, थम्सअप, बट इसके बाद मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ। अभी तुम सोचोगे चैट में तुम स्पैम करोगे, जो मैं जानता हूँ तुम क्या स्पैम कर रहे होंगे, बट मैं उस चीज़ को इग्नोर करते हुए बताना चाहता हूँ कि मैं एक दिन ये चैलेंज करके रहूँगा। वैसे मैं फिट हूँ ऑलरेडी, बट इससे भी ज़्यादा फिट होके दिखाऊँगा, ये वादा है मेरी इठा, समझ रहे हो, मेरी बच्चा। बहुत ही मस्त माहौल है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है, जवार का वातावरण, अच्छा वातावरण। जवार में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, जवार में खेती भाती बहुत अच्छी होती है, जवार के लोग आपसे प्यार में बेतहाशा करते हैं, जवार में हमेशा ठंडी ज़्यादा रहती है, ऊन कम रहता है, जवार में बारिश आती है, बारिश के बाद सूखा पड़ जाता है, लेकिन जवार के लोग कभी भी हारते नहीं, डट के रहते हैं, जवार प्यारा प्यारा हमारा जवार। दोस्तों देखो, हमने कुछ एक्सेसरीज ली है, उसका फ़ायदा देखो क्या हो रहा है। अभी मैंने प्रॉपरली यहाँ पे भी कैमरा लगाया, देखो मैं आपको हाय हेलो कर सकता हूँ, हाय हेलो हाउ आर यू, क्या आगे भी बढ़ सकता हूँ,
हाय दोस्तों, व्हाट अ लवली नज़ारा, मेरी जान, मेरे यारा, मेरे दिल दारा, तू ही मेरा प्यार, तू ही दिल करार, तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में ना आए करार, ओ मेरी जाने जा, ओ जाने सार, मेरा दिल बेकरार, तेरे लिए प्यार मेरा है, मैं आया इन जवार, मेरी जाने मन, मैं आया इन जवार, मैं आया इन जवार, मैं आया इन जवार, ओ ये मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। ये मोटो व्लॉगिंग की जो लाइफ है, मतलब ये मोटो व्लॉगिंग वगैरह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले कभी इतनी मज़े नहीं कर रहा था बाइक पे, जो मैं अभी अभी कर रहा हूँ। मतलब थैंक्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू श्रीवान फैमिली, और उसके बाद थैंक्स बोलना चाहूँगा इस बाइक को, ZX10R को, क्योंकि इसकी वजह से ये मोटो व्लॉगिंग बीटो व्लॉगिंग में मेरे को इंटरेस्ट आया है, और अभी मैं मचाते जा रहा हूँ भैया। निस्ते कैमरे, निस्ते ढींगाने, निस्ता एंजॉयमेंट, मेरी चम्मा। बारिश बहुत मस्त चल रही है इधर, और मेरा आवाज़ भी तुमको चुम्मा आ रहा होगा, मेरी चोबा। एत्र बिंडी नारायण को लरस टोला, मेरी जाने चिबी, जाने चिबी, जाने चिबी, जाने बहारा चिबी, सावधान पुड़े गावे। ओके सर, ताक ताक ती ता ताक ताक ती ताक 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 ती ताक ताक ती ताक 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 ती ताक ताक ती ताक ताक ताक। बिन बादल के घुंघरू बरसे, ओ मजा आया, इज्जत है पत्तू दे बॉय की, पत्तू दे बॉय ने आइडिया रे सुझे की लगा दो इधर क्लिप ऑन, लेकिन इज्जत है, क्लिप ऑन को इज्जत है। ये कहीं पे भी लगा सकते, बैग को लगा सकते, इधर लगा सकते, बाइक पे लगा सकते, अब टेंशन नहीं है। इस पे अपन है ना, इस पे अपन 360 भी माउंट कर सकते अगर चाहे तो। हाँ हाँ, काय बोल लगा महती, ठीक है चला रपाक्स। सबको रेव सुनना है, सबको रेव सुनना है गाड़ी का आवाज। रोड पता नहीं हो, वापस स्लो चलाया करो, इंपॉर्टेंट वही होता है। बापा का मंदिर है यहाँ पे, माखड़ा, यहाँ पे माखड़ा करके कुछ है 19 किलोमीटर पे, माखड़ा। ओ माखड़ा रे, माखड़ा माखड़ा, अला वीर है, पुरातन काल की वीर, बापरे इज्जत है। अभी राइडर पत्या अपने साथ जुड़ गया है, देखो पत्या राइडिंग कर रहा है, और हम इतने स्लो आ रहे हैं कि इनको रुकना पड़ रहा है अपने लिए। हम बहुत स्लो चला रहे हैं दोस्तों, चील करके सर आ रहे हैं एकदम, और ये गाली गलौज भी कर रहे होंगे कि यार इतना क्यों रुकते हो ये लोग, लेकिन रुक नहीं रहे हम, बस स्लो चला रहे हैं। मज़ा आ रहा है रे, ऐसे वातावरण में फास्ट गाड़ी चला के किधर जाना है, और वैसे भी पूरा जो रोड है वो गीला है, तो गीले पे ये गाड़ी वैसे भगा के वैसे भी पॉइंट नहीं है। मैं सोच रहा था IRL करूँ लाइव स्ट्रीम की, मतलब बाइक चलाते वक्त, बट ये तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि इतना इजी नहीं है जो लगता है। नेटवर्क आता जाता रहता है, चैट कैसे देखेंगे आप, तो इस कैमरे से तो आप मुझे देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे नहीं। ये देखो इस तरीके से, इस कैमरे से मुझे देख तो सकते हो आप, लेकिन फ़ायदा क्या, मैं आपके चैट ही नहीं पढ़ पाऊँगा, और मुझे तो पता ही नहीं होगा आप मुझे देख पा रहे हो कि नहीं, कहाँ बीच में स्ट्रीम्स जा रही है, वीडियो कट हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं। तो उससे अच्छा है इस वीडियो का आप IRL समझो, ऐसा समझो ये लाइव है और आप देख रहे हो। वैसे भी आपको ये लाइव ही लग रहा होगा, इतने बड़े बड़े ब्लॉग आपको ये लाइव ही फील आता होगा हमेशा। लेकिन दोस्तों देखो, बड़े बड़े ब्लॉग कैसा होता है, मैं अभी कंटिन्यू पढ़ पढ़ता हूँ तो वो बड़ा हो जाता है, अभी मैं कट क्या करूँ, रखूँ क्या, ऐसा होता है। मेरी इच्छा होती है कि मैं व्लॉग ख़त्म कर दूँ, चलो 15 मिनट में आपके लिए, लेकिन आपको वो मज़ा नहीं आएगा। श्रीमान का व्लॉग मतलब भाई एक एक घंटा, आधा आधा घंटे से ऊपर होगा ना, तो असली व्लॉग, तो उसमें असली मज़ा आता है, ऐसा विषय। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब भगवान भरोसे चल रहा है। आज मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। थोड़ा मज़ा ले रहा हूँ, चिल कर रहा हूँ। मैं थोड़ा ऐसा पर्सन नहीं था ना, मैं कैसा था कि अपन मतलब मज़े लेने वाला। ये एक्चुअली व्लॉगिंग मतलब कैसे, बार बार मोबाइल निकालो, हर चीज़ व्लॉग में डालो, तो हर चीज़ व्लॉग में डालने पर है ना, जो मेन अपना फील है ना, वो कहीं
छुप जाता है, ऐसा मैं बहुत बार देखता हूँ। जैसे कि आप एक जगह पे रुका, वहाँ पे एक अच्छी सीनरी है, चलो इसको अपन रिकॉर्ड करेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन उस सीनरी को देख के मुझे कैसा फील हुआ, ये कहीं ना कहीं छुप जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। बट आई थिंक नए नए हम 100 व्लॉग हो गए बस अपने, फिर भी हम नए हैं, लेकिन धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएंगे इस चीज़ से, मज़े ले लेंगे। ए, ए, मातर है, ए, ए, नड़ना नड़ना कभी भी कुटे भी कसा भी ना असा भी ना तसा भी। हाँ ए काका आजोबा किधर जाने का है? अच्छा इधर जाने का। आई ग सबको आवाज सुनने का गाड़ी का। भाई हर जगह पे लोग ऐसे टोली में खड़े होके शूटिंग कर रहे हैं, इनको टिप कैसे मिल रही है? ये तो अच्छा लग रहा है बट इनको पता कैसे चल रहा है, ये भी एक मुद्दा। आई लॉक आई रोड है, आई लॉक आई रोड है, आई लॉक आई रोड है। लवली 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 एंजॉयबल रोड यार। हा भाई क्या रोड है, अगर ये रोड पे मैं रोज आता हूँगा ना तो मैं मस्त सैर सपाटा करूंगा इस रोड पे, सैर सपाटा, एकदम सूखा सूखा रोड है। आई लवली, काश हमारे इलाके में भी ऐसे रोड होते तो हम भी मजे ले पाते। मेरी चूमा, ये क्या है बे? ये क्या लिखा है यहाँ पे? आदिवासी जननक विरासा मुंडा चौक। अच्छा कहाँ पे जाने का है भाई? जाना कहाँ पे मुझे नहीं पता, मुझे रुकना पड़ेगा। फ्लो फ्लो में आगे आ गया हूँ, मेरे को पता नहीं। हाँ आई थिंक हाँ स्ट्रेट ही जाना है, स्ट्रेट ही जाना है, स्ट्रेट ही जाना है। देखो ना रोड, देखो ना क्या रोड है, क्या रोड है। इस रोड को सलाम में मुजर्रक मुस्तफ़ा जी रोड है, मुस्तफ़ा जी रोड, सलाम में मुजर्रक मुस्तफ़ा। कितना प्यारा रोड, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब मेरे को पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा लग रहा है। आई गो कुले दुखने लगे। हाँ लवली, जैसे कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ बे। वाव जस्ट वाव, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। कूल कूल एकदम कूल चील लवली। सूखे रोड पे ना मैं बिंदास हूँ, गीले रोड पे मैं नल्ला हो जाता हूँ, नल्ला। सो स्लो चलाना ही बेटर है सूखे रोड पे, गीले क्योंकि सॉरी स्लो सूखे रोड पे ठीक है बट गीले रोड पे स्लो ही चलाना बेटर है क्योंकि रिस्पेक्ट रहता है बहुत। क्या रोड है, खड्डे नायका है ना, बस राइड के मजे लो आप, मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा लग रहा है राइड। वो देखो डोंगर के ऊपर बादल कैसे उतरे हुए हैं। इस गाड़ी को लीन करने में मज़ा बहुत आता है बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है, साला डर लगता है बारिश में। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा थोड़ा सा थोड़ी सी माती थी एक रोड पे, रप करके गाड़ी स्लिप हो रही थी। वाह
जैसे जैसे हम जा रहे घाट चढ़ के जा रहे हैं, उतर कर रहे हैं, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है बट जा रहे हैं ना, वैसे एकदम ठंडा ठंडा फीलिंग वाड़ रहा है। ये देखो यहाँ पे देखो, हाँ हाँ हाँ, झरने का पानी और पानी में झरना, पतू मचा रहा है कंटिन्यू। पतू को बहुत एंजॉय आ रहा है बाइक राइडिंग करते हो। उसको एक्चुअली उसको खुद एक बाइक लेनी थी बट मैंने बोला मत ले बाइक, फोर व्हीलर ले, तो अभिजीत की बाइक पे अपना सपना पूरा कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। बट अभी हम धीरे धीरे ना, अगर अच्छी अच्छी राइड करें ना ये लोग, तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा फिर हाँ, मतलब प्रॉपर एक राइडर का अपने बंदों का ग्रुप ही रहेगा, सब टू व्हीलर वाले, मैं गरुड़ा पत्या सब लोग जितने भी है सबको टू व्हीलर पे बिठा के चले निकले घूमने के लिए। टू व्हीलर पे असली मजा है, सोचो ना अभी ये पतू है, अगर पतू जैसे और चार पांच आसपास रहेंगे अभी एकदम मजा आएगा ना रे। रात हो गई, एक पेट्रोल पंप ढूंढा और लकीली वहाँ पे पावर का पेट्रोल मिला, तो 6 लीटर पेट्रोल गया है पावर का, गाड़ी को थोड़ी राहत मिलेगी अभी। हाँ, और अभी अपने को बहुत मंजिल गाटनी है, बहुत टाइम है, आराम से चलेंगे। मस्त पे कि मैं उगड़ा हुआ हूँ, मतलब दोनों चैन ओपन कर दिए अपने इसकी जैकेट की, ताकि मैं सूख जाऊँ अंदर से। अगला उधर क्रिकेट खेला जा रहा है, वाह बॉक्स क्रिकेट के दिल में मेरी उठा। और आई ना थोड़ी देर पहले मैंने स्वच्छ किया, मतलब हेलमेट का अपना वाइजर, तो ज़रा अच्छा अभी लुक अच्छा रहा है, मतलब दिख अच्छा रहा है। बारिश तो रुक गई है, 10:30 बज गए, लेकिन यहाँ पे रोड अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, गंदा रोड, अच्छा रोड ही नहीं है। और आप है ना इस बाइक से 100 किलोमीटर अच्छे रोड पर प्रवास करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप 20 किलोमीटर गंदे रोड पर प्रवास करोगे ना, आप थकोगे इतना ना कि जैसे आपने 500 किलोमीटर चलाई है गाड़ी, इतना तकलीफदायक सफ़र है इस गंदे रोड का। फिर भी हम जाते जा रहे हैं। गरुड़ा जी अभी बहुत टाइम पहले बोले थे 60 किलोमीटर पे मंजिल है, लेकिन अभी पता नहीं मंजिल आ क्यों नहीं रही है। कदाचित ये रोड की वजह से ऐसा लग रहा है कि 60 किलोमीटर बहुत लंबा प्रवास है, ऐसा लगने लगा है। जस्ट वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब पहुँचते मेरी चुम्मू। गाड़ी के हाल रहे, पूरी गाड़ी कीचड़ पीचड़ हो गई है, आगे कीचड़ पीछे कीचड़ हर जगह पे कीचड़, बहुत वाइट वट्टा है, लेकिन बारिश में तो गाड़ी गंदी होनी है ना। ये तो अच्छा हुआ कि इसमें अपन ने वो ग्रेफाइन कोटिंग करा के ले ली थी, तो पेंट पे कोई असर नहीं होगा उस चीज़ का। अभी जगह पे पहुंचने के बाद वहाँ पे देखता हूँ कि पानी भी नहीं मिलता है क्या मुझे, अगर पानी मिल गया तो फिर मैं थोड़ा इसको नहलाऊँगा, साफ़ सफाई करूँगा इसकी, उसके बाद खुद साफ होऊंगा, टेंशन नहीं है, रिलैक्स। जब तक इसको स्वच्छ नहीं करता हूँ ना, चैन की नींद नहीं आ पाएगी। ट्राई करते हैं वहाँ पे पानी मिल जाए मुझे, बाल्टी में पानी मिल गया ना तो भी स्वच्छ करने के लिए तकलीफ नहीं होगी। अभी अच्छा रोड तो आ गया है, तो ज़रा चिल लाइफ है। लेकिन अभी भाई कब से बोल रहे हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी आए कॉल करते हैं, रात्रि से कॉल है, चक्का रुक रे कॉल उठा रहा हूँ। तो अभी हम एक जगह पे हैं और यहाँ पे किरण दादा का मानना है कि हमें चकवा लग गया है। ये देखो पत्तू जी सुसु कर रहे हैं, और अभी भाई और किरण दादा का जाहिर मानना है कि हमें चकवा लग गया है। शैलेंद्र जी आपको क्या लगता है हमें चकवा लगा है? हम लोग सीधे सीधे आ गए भंडारा दादा, तो अभी किरण दादा सच में चकवा लगा है, मतलब भूत अपने इर्द गिर्द कंटिन्यू है। यस यस दोस्तों, हम चकवा में अटक गए और सामने से एक जीप गाड़ी आई है, मुझे लगता है शायद ये जीप गाड़ी को हमारा चकवा भी जीप गाड़ी को चिपक जाएगा। चिपक जा चकवा चिपक जा, आईची चिप्पी चकवा लग ले तो, अरे हाथ चकवा है अपने आयुष्यात आलेला, तो बघ चकवा ये देखो दोस्तों, हमारे लाइफ का सबसे बड़ा चकवा, ये देखो असल चकवा, कब से यही चेकिंग चल रही है उस कुत्ते की। अभी हम थोड़े से दूर है, कितने पता नहीं 15 किलोमीटर है, मैं गाड़ी तो चला रहा हूँ, लेकिन ना भाई ये जो राइडर था ना दोस्तों, राइडर ये बस थोड़ा काम का राइडर है, किसी काम का नहीं है। पहले इसने पद्दू को बकरा बनाया, अब इसने शैलेंद्र को बकरा बनाया, अब शायद किरण दादा बकरा बनने के लिए रेडी हो चुका है बाइक चलाने के लिए। ये ऐसे राइडर, और ये बातें कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम अभी अमीर होने वाले हैं। अरे काहे के अमीर, अरे ये गाड़ी नहीं चलाई जाती तो ये दड़ फोड़चा क्या चलाएंगे ये लोग। ये देखो शैलेंद्र जी ने असली कुर्बानी दी रे। चलो मैं तो चला दोस्तों मेरे काम पे, मैं भी थोड़ा सा कुर्बान हो गया हूँ, बट ठीक है चलता, लेट्स गो। फाइनली वो अपना पिछली बार जो आपने शायद भंडारदरा का व्लॉग देखा होगा, उसमें जो अपना बंदा था ना वो वाला, वो आ गया हमें लेने।
और हम अभी चकवे से बाहर आ गए, जो कि चकवा था ही नहीं एक्चुअली, बट चकवे से बाहर आ गए और हम अभी जगह पे पहुंच जाएंगे मेरी चुम्मा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 400 किलोमीटर का रनिंग हो गया है, कोई टेंशन नहीं, कोई थकवा नहीं, कुछ नहीं। 400 मतलब कुछ तो उस दिन हुआ था वो 170 और ऊपर का जो भी अभी आप काउंट कर लो उतना रनिंग आज हुआ है। तो मस्त, गाड़ी बहुत माखी है, गाड़ी को स्वच्छ करना प्रायोरिटी मेरी, देखते हैं शायद ये लड़के लोग कुछ ना कुछ सुविधा करेंगे। और बहुत प्यार देते हैं ये लोग, और इंदौर का जेवन है ना, जेवन वो महत्व का है, जेवन जेवने में मज़ा आएगा। अभी मैं एक्साइटेड हूँ थोड़ा जेवन जेवने के लिए। अरे बाप रे, ये लेफ्ट कहाँ से आ गया? ठीक है चलो, शॉर्टकट है शायद गाँव एरिया में। ये GoPro 11 ज़रा ज़्यादा डार्क है, रात के टाइम पर ऐसा फील आता है, मुझे लगता है सेटिंग मैंने ठीक से की नहीं है। मैंने लिया है उसको 1080p 60fps पे डाल दिया है और यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि इसको एक बार सेटिंग आज करता हूँ मैं, अभी वहाँ पे पहुँचने के बाद सेटिंग चेक करता हूँ। इसकी सेटिंग अच्छी है यार, इसमें क्वालिटी मतलब 10-11 में इतना फ़र्क नहीं, बट फिर भी सेटिंग्स चेक करनी चाहिए। अरे देखो दोस्तों, रोड छोड़ के अपने को किधर जाना पड़ रहा है, ATV भगत बाबा। ओ यार बाप रे, गाड़ी भी मुझे बोल रही है कि अरे दोस्त मैं सुपर स्पोर्ट्स हूँ, तू टूरर बना के घुमा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस के दिल में प्रकाश बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छा व्यू आए। हम अभी एक प्राइवेट एक एरिया में जा रहे हैं, प्राइवेट मतलब ऐसा प्राइवेट बंगलो जैसे, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं देगा। ये देखो देखो, पूरा डोंगर के उधर से अपन उतर रहे हैं, देखो दरी डोंगर नदियाँ नाले सगल खलास है एकदम। वाह 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 वाह, इज्जत है इज्जत है। दिगदाग दिग दाग दी दिदाग दिगदा ना कर दिगदा। ओ एक पिचड़ पिचड़, मैंने सोचा था कि गाड़ी वहाँ पे धो दूंगा और फिर सूखे सूखे रोड से चलाऊंगा, सारे सपने बिखर गए भी। वाह क्या बचाया पत्थर से गाड़ी को। आ गए शायद हम इलाके में। व्हाट अ एंट्री मेरी कुब्बा। है कोई जो निंजा में 18 का एवरेज निकाल सके? 18 किलोमीटर पर लीटर, 407 किलोमीटर रनिंग हुई है उसमें 18 लीटर का एवरेज निकाला है। इज्जत दो मुझे, समझ रहे हो ना, इज्जत दो। दोस्तों ये रूम मुझे दी गई है, इतनी प्यारी रूम है, सेक्सी रूम है। और किरण दादा यहाँ पे काबिज कर रहा है, लेकिन मैं इसको होने नहीं दूंगा काबिज। देखो कितना बड़ा संडास है इधर, मैं डांस पूरी स्ट्रीमिंग रूम जितना संडास है। और यहाँ पे किरण दादा ने टेबल मांडा है, लेकिन इस तकले का मैं कुछ भी साध्य नहीं होने दूंगा भविष्य। किरण दादा उद्बत्ती लेके आरती ओढ़ रहे हैं, इनकी पत्नी कौन है, बट इज्जत दे रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। किरण दादा बांध लीजिए, क्या बनने वाले हैं? किरण दादा और शैलेंद्र जी आज एक साथ बात करने वाले, बहुत महत्व की। हाँ किरण दादा, बहुत महत्व की हमारी इधर मीटिंग है। दोस्तों अपने सोनू भाई और उनके दोस्त कितने अच्छे है। देखो सुबह हो गई, मैं जस्ट उठ रहा था और उन्होंने वो गाड़ी खुद अपने मर्जी से बेचारे प्यार से साफ कर रहे हैं। ऐसा प्यार कौन करता है बताओ। ये देखो आप भी, पत्या भाई की गाड़ी भी साफ की, ये भी गाड़ी उन्होंने कीचड़ निकाला पूरा का पूरा। अभी भाई की भी निकलेंगे और मैं अभी तक सोया हुआ हूँ कुत्ते जैसा, और ये सब सो के अभी उठे कभी नहीं गई है। और उधर किरण दादा है, रिलैक्स कर रहा है। गाड़ी बीड़ी तो धुल के हो गई, नाश्ता पानी भी हो गया थोड़ा पार। अभी हमको उतर है ड्रोन उड़ाने का, ठीक है। चलो आपको ड्रोन का शॉट दिखाते हैं, हम जिस जगह पे है वो एक्चुअली कैसे दिखती है, आपको ड्रोन के व्यू से दिखाते हैं। यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, एक व्लॉग रेडी है बट डाल नहीं सकता, मतलब अभी ये व्लॉग आए तो ऑब्वियसली वो व्लॉग आप देख के चुना हो गया होगा, लेकिन आप ड्रोन उड़ देगा, चुम्मा चुम्मा गड़गुम्मा मजा आएगा। लेट्स फ्लाई।
देखे ना ड्रोन के शॉट, अच्छा लगा ना? अभी ये सिनेमेटिक शॉट्स देखो, यहाँ पे अभी मैं डैम की या ये भंडारदरा डैम है, दिखा दो आपको। ये व्यू तो आपने देखा ही नहीं था पिछली बार हम आए थे, तो कितना प्यारा है ना, कितना बड़ा है देखो ना। मतलब हम फिलहाल एकदम टॉप लेवल पे, मतलब कितनी भी बारिश गिर जाए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसा ही चाहिए, देखो यहाँ तक पानी आता है, यहाँ तक पूरा ये भर जाता है पूरा, मतलब यहाँ तक पानी, ये जो मेरा पैर दिख रहा है ना इसके थोड़ा नीचे तक पानी आता है, इतना पूरा भर जाता है। और क्या मौसम होगा, विचार करिए, विचार करिए। शायद इन लोगों का प्लान है वो रिवर्स वाटरफॉल चेक करने जाना है हमें, तो देखते हैं रिवर्स वाटरफॉल क्या है, प्रकार है। और मैंने इनको इंसिस्ट किया है कि कोई दूसरा होटल देखो, मुझे इंटरनेट चाहिए भाई, मुझे डेटा अपलोड करना होता है, तो दिक्कत हो जाएगी। अभी अभी भाई और शैलेंद्र जी इनको फोर्स किया है, देखते वो क्या करते हैं और कहाँ पे सुविधा करते हैं। एक तो भंडारदरा यहाँ पे इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम होता है। बता दो दोस्तों आपको मोटो व्लॉग कैसा लग रहा है। मोटो व्लॉग, नॉर्मल व्लॉग सब मिक्सिंग है, लेकिन जैसा भी लग रहा है कमेंट में मुझे बताया ज़रूर करना कि आप क्या चेंजेस चाहते हो या क्या सजेशन है, या आपको अच्छा लग रहा है या मैं बड़े बड़े व्लॉग्स बना रहा हूँ वो आपको ऐसा लगता है कि छोटे बनाऊँ। व्लॉग पार्ट में भी बन सकते, उससे मुझे ही फ़ायदा है, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ इंटरप्शन ना हो, पूरा का पूरा पिक्चर आप देखो, एंजॉय करो, है कि नहीं। व्लॉग, इसको व्लॉग बोलना, बोलने से बेटर है कि ऐसा बोलो कि आप मेरी एक, आप मेरे साथ जी रहे हो, एक लाइफस्टाइल है, मैं ऐसे ही जीता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ मैं कनेक्ट होता हूँ, शेयर करता हूँ, अच्छा लगता है। चलो ज़्यादा नहीं बोलते, देखते चलो रिवर्स वाटरफॉल। नहाया भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे हाफ चड्डी बॉ। अरे शपथ दोस्तों, पत्तू गाड़ी निकाल दी, इतने भयानक एरिया से देखो, पीछे आपको दिख रहा है क्या, इतने वाला डोंगर से ये गाड़ी को इसने ये बना दिया है, क्या कहते हैं इसको, ऑफ रोडिंग व्हीकल बना दिया है, मच्छरदानी गेम प्ले, मच्छरदानी। देखो इसका मैं हाइपर व्यू एक्टिव करता हूँ दोस्तों, हाइपर व्यू चालू के लिए, थांबा थांबा थांबा, देखिए देखिए, अभी मरते 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 हम बच्चे, मरते मरते ये देखो गाड़ी, देखो भाई शपथ, ये देखो गाड़ी किधर से किधर चढ़ गई, थोड़ा और 3 फुट इधर चाहिए थी, मजा आ जाता, कॉन्टेंट बढ़ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। पत्तू भाई नड़ो, अभी धक्का मारो, शैलेंद्र जी धक्का मारना पड़ेगा, चल 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 चल, नड़ 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 भाई नड़, चल ए बाबू, ये बाबू, ये बाबू, ये बाबू, ये गे गे, नहीं माला माला हाथ लावा, माला दोनों हातांनी फुटकला लागे, पत्या पत्या गाड़ी मागे घे आणि जर्क मध्ये ने रूप, डायरेक्ट सरळ ने, तू लेफ्ट नाही मारायचे तुला, डायरेक्ट सरळ ने, आणि हे बघ याच याच अँगल ने थांब, घासेल तिकडे, सरळ कर, मी करू का, मी काढतो ना, गाइस देखो हालत देखो रे, गाड़ी की हालत देखो, अब भी जस्ट धोया था, किंग आ गया, किंग आ गया, रुको ये क्या बात, लो बघ ए आंगा फिंगरी, ए तब तब एक मिनट, गाइस गाइस अभी मालक स्वतः गए, अभी देखो चढ़न, देखो मरते मरते टांग टांग डांग दरन डांग, काय बोलशील, गप्पा रूप